अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। मैं हूँ शेफ खानिश और आप देख रहे हैं शेफ खानिश फूड रेसिपी। आज मैं आपके लिए जलेबी की रेसिपी लेके आया हूँ। जलेबी कैसे बनती है वो आपको बताते हैं। बहुत आसान सा तरीका है। तीन चार चीज़ें हैं जो देखनी, जो समझनी पड़ती हैं, उसके बाद आप जलेबी घर में भी आसानी से बना सकेंगे। दिखाएंगे, ये मेरे पास मैदा है जी 5 किलो। ये मैदा दिखाएंगे, 5 किलो मैदा है। ये रंग कार्ड है जी, हाफ टी स्पून। जी तो ये पानी को हमने नीम गर्म कर लिया था और उसमें ये मिक्स कर दिया। आप इसमें मैदा मिक्स करेंगे और बाकी चीजें उसके बाद इसमें ऐड करेंगे। ये व्यूअर्स, तो ये 2 किलो पानी था जो हमने नीम गर्म किया था और 5 किलो मैदा है। अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने का तरीका इसका यही है, इसको जल्दी जल्दी से मिक्स करते हैं, नहीं तो इसकी गुटलियां बन जाती हैं जिसे डली कहते हैं, तो उसके साथ फिर ये सही नहीं बनती जलेबी। बिल्कुल मुलायम होनी चाहिए ये। अभी इसको 2 मिनट का टाइम देंगे, वक्फा देंगे, उसके बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। जी व्यूअर्स, तो ये मीठा सोडा है 1/2 टीस्पून और अभी हम इसमें ये जलेबी कलर थोड़ा ऐड करेंगे। ये इसका कलर काफ़ी तेज़ होता है, इसको बिल्कुल हल्का सा ही डालना है जी। आपने जब घर में बनाना है तो 1 किलो मैदे के लिए 1 किलो मैदा लेंगे तो 4 किलो इसकी जलेबी बनेगी। ये जलेबियों के लिए तो ये शीरा हमारा रेडी हो गया जलेबियों के लिए, ये 10 किलो चीनी थी और 6 किलो पानी है और जलेबियां स्टार्ट करते हैं जी। जी व्यूअर्स, तो ये हमने जलेबी निकालने के लिए कढ़ाई रखी, ये शीरा और ये जलेबियों का जो है ना। जी व्यूअर्स, तो ये कपड़ा हमने लगा दिया है, ये इसे जलेबी कपड़ा कहते हैं। नीचे बाउल रखा है जी, ये देखें बाउल में से ये इसके नीचे होता है स्टॉक जिससे निकालना चाहिए। तो अभी इससे जलेबी नहीं तो हमने उसमें शामिल करना और फिर जलेबी निकाल देनी है। ये व्यूअर्स, तो इसी तरह सारी जलेबी निकाल लेनी है। ये व्यूअर्स, तो इसको जब कलर चेक कर लेना है, जब इसका कलर सही आ जाए गोल्डन सा तो फिर इसको निकाल देना है। तकरीबन 2-3 मिनट में इसका कलर हो जाएगा जी। तो ये हो गया इसका कलर, देखे कितना प्यारा आया है, साइड चेंज की हमने। जी व्यूअर्स, तो ये हो गया रेडी जी।
ये देखिए ये शीरे में आ गई जो हमने शीरा बनाया था, और ये हमारी जलेबी रेडी है जी। जी व्यूअर्स, तो आप दूसरा तरीका अगर घर में बनानी है तो आपको वो बनानी नहीं आती, तो ये आसान है कि इसके छोटे छोटे ये पीसेस में कर लेते हैं जी। ये छल्ले टाइप बना लेनी है जी। तो इसी तरह ये सारी आपने बना लेनी है जलेबी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत ही अलग